मैंने बाइबल का नाम लिया ना, वो उसके अंदर आग लग गई, उसको गुस्सा आ गया। अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। Hello, my friends, welcome to yet another The Boot Show. The Boot Show के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक रिमाइंडर देता हुआ चलता हूँ, बहुत दिनों के बाद वो ये कि अभी फिर एक मैसेज आया था कि आपकी स्टोरी सुनते हैं तो हमें उल्टियाँ आती हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। भाई कुछ चबा लिया करें, कुछ मुंह में रख लिया करें, टॉफी शॉफी इस तरह खा लिया करें। ज़्यादातर मुंह बंद होता है ना जब आप मेरी स्टोरी जो है ना, अगर किसी को उल्टी आती है ना तो वो उल्टा होके देखे तो फिर वो सीधी आएगी। और दूसरा ये है कि आप माहौल बना कर देखें तब आपको मज़ा आएगा। ताकि और उल्टी है। कुछ लोग होते हैं स्टोरी सुनने के बाद बड़े उसमें से वो निकाल रहे होते हैं किससे, अच्छी बात है, अजीब वगैरह से किससे निकाल रहे होते हैं। भाई माहौल बना कर देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। अरे मज़े की बात बताता हूँ। हमारे मेरे इंस्टा पर एक मेरे फॉलोअर हैं, मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोलता, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। और जो मुझे डीएम करता है मैं उसको रिप्लाई लाजमी देता हूँ, ठीक है। तो मेरे बैल्कनी में परसों रात को या कल रात को हाँ जो आपने दिखाया था भाई, चलो कल रात को, मैं अब तो भूल गया यार। तो कल रात को बारिश थी और मेरे अपार्टमेंट का जो है वो यूपीएस मैंने चार्जिंग पर लगाया नहीं था, मेरी गलती थी। मैं घर गया तो भाई लाइट नहीं थी और बारिश कंटिन्यू हो रही थी, 9 बजे की लाइट गई भी। मैं आराम से दरवाजे वरवाजे खोल के ना नीचे रग बिछा हुआ है उसी पे तकिया लगा के और बैल्कनी की तरफ टांगे करके लेट गया। तो जनाब एक साहब जो है, साहब नहीं थे वो औरत थी बेसिकली, साहब तो लाउंज में थे, एक औरत मोहतरमा जिनका जो चेहरा था वो यूँ फ्लेम्स की तरह था, ठीक है। और वो बैठी और उनके गोद में ना एक इतना सा कोई जानवर था, वो दिखने में कभी कुत्ते जैसा कभी बिल्ली जैसा इस तरह का ना वो नज़र आ रहा था। वो सिर्फ बैठी हुई थी, वो बारिश बाहर हो रही थी उस वक्त, 11:30 बज रहे थे रात के, या शायद 1 बज रहा था, टाइम मैंने नोट नहीं किया था। तो वो वीडियो बनाऊँ तो वीडियो में कैप्चर ना हो, कैमरा ऑन करूँ तो उसमें दिखाई दे, कैमरा हटाऊँ तो दिखाई दे, वीडियो का बटन ऑन करूँ तो दिखाई ना दे। बहरहाल मैंने कैमरा ऑन करके फ़ोटो लिया तो वो फ़ोटो में आ गया, मैंने इंस्टा पर शेयर कर दिया। तो उस पर हमारे एक फॉलोअर ने कहा कि काशी भाई इसने वॉच पहन लिया। अब इस तरह की जो बातें होती हैं ना वो मेरी हटा देती हैं, लेकिन फिर भी मैं बड़े मतलब रेस्पेक्ट में बोलता हूँ कि यार मेरे भाई ऐसे नहीं, ऐसी बातें नहीं किया करो। मैं जो जिसमें गुजर रही होती है वैसे हटाने से याद आया कि हम टॉपिक से हट गए। नहीं मैं वो किस्सा सुना रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, इसी से आ रहा हूँ। आ जाए रात नहीं, नहीं। ये देखिए हाँ सुन देखिए रात के। अच्छा एक हमारे भाई ने मैसेज किया, काशी भाई थोड़ा करीब जाके वीडियो बनाते ना तो उसको, उसकी आप करीब जाते उसकी, फिर उस बाद में वीडियो बनाते तो उसके करीब जाके और उसको ये करते वो करते। मैंने कहा भाई और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो, मैं कोई उसको बोलता वो पोज वोज भी मार दे कोई तो। मैं भाई बिल्ली कुत्ते के सामने अगर आप आगे जाओगे कैमरा लेके वो आपके सामने खड़ा होगा, या अटैक करेगा या भाग जाएगा। चलो तो हम आते किस्से पे। शैतान है ना, शैतान उसको क्यों निकाला गया, उसको इसलिए निकाला गया कि उसने नाफरमानी की। नाफरमानी सिर्फ क्या थी कि मैं इंसान को सजदा नहीं करूँगा, मैं मट्टी के बनाए हुए पुतले को सजदा नहीं करूँगा, ये थी उसकी नाफरमानी। बहुत इबादत गुजार था लेकिन इनकारी हो गया, जन्नत से इनकारी हो गया। हर बंदा जो आपको लगता है, मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छे बुरे हर जगह, लेकिन हर बंदा जो आपको दर्स दे रहा हो, तालीम दे रहा हो, ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, उनके अंदर शैतान ज़्यादा अटैक करता है। जो हमारे वो होते हैं ना मौलवी साहब हो गए, पेशमाम साहब हो गए, या पंडित हो गए, या फादर हो गए,
जो परहेजगार लोग होते हैं उन पर शैतान ज़्यादा हमला करता है। शैतान का एक वाक्या है, एक चर्च में, अब मैं नहीं बताऊंगा वो चर्च का है, वो आशी को वो चर्च पहुंच जाएगा जहाँ जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। पहुंच गया ना उस चर्च में, मैं आपको काफ़ी पुराने किस्सा सुना रहा हूँ। उस चर्च में मैं गया और अक्सर जाते थे क्योंकि होता ये था कि स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम फिर छोटे गेट से जाते थे तो चर्च खुला होता था वहाँ चले जाते थे, या संडे को स्पेशली होता क्या था कि कैंपिंग वगैरह होती थी हमारी तो वहाँ सब संडे को चर्च जा रहे होते थे तो हम भी देखने के वहाँ थे चर्च में घुस जाते थे। एक दिन संडे का ही था, मैं देखा कि चर्च का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं खामोशी से ना चर्च में घुस गया। मैंने कहा ये जब तक मुझसे ये टोनी काम करवाएगा मैं चर्च में बैठ जाता हूँ, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। तो मैं जाके चर्च में बैठ जाता हूँ, टोनी को शक ही नहीं होगा कि मैं चर्च में बैठा हूँगा, तो मैं जाके चर्च में बैठ गया। तो जनाब यकीन करेंगे, कहते हैं कि इन चीज इन जगहों पर जो पाक साफ जगह होती है ना इन जगहों पर शैतानी चीज़ें नहीं आती। मैं कहता हूँ आती हैं। वहाँ एक फादर हुआ करते थे, उन्होंने आके मेरे शोल्डर में पीछे हाथ रखा, मैं समझा टोनी आ गया। मैंने कहा यस सर, मैंने कहा यस फादर। कहने लगा कि चर्च से बाहर जाओ। मैंने कहा यार इसको बुरा लग गया शायद ना, मैं आके बैठ गया हूँ तो इनकी शायद प्रेयर का टाइम होगा, ये तभी मुझे कह रहा है कि चर्च से बाहर जाओ। मैं खामोशी से उठा सॉरी सॉरी करके, उससे पहले ही मैं चर्च से बाहर निकला तो वही फादर चर्च के बाहर जो बड़ा दरख्त नहीं था उसके नीचे खड़ा था, कहला कम संधेर। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, अंदर कौन था ये बाहर कौन है। मैं गया उसके बाद, मैंने जी फादर, कहने लगा कि वाई यू आर अंदर क्यों थे। तो मैंने उससे झूठ नहीं बोला, मैंने कहा वो छुप गया था टोनी की वजह से। तो क्या लगा अच्छा ठीक है, अच्छा इधर बैठूँ मेरे साथ। मैं बैठ गया उसके पास, उधर ही दरख के पास एक वो सीमेंट के वो बेंच बने हुए होते थे, उधर ही बैठ गया। उसने अपना हाथ दिखाया, क्या लगा ये तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा। उसके हाथ पर यहाँ से लेके यहाँ तक इम्बोज किया हुआ, जैसे स्कार होते हैं ना स्कार की तरह के कुछ निशान थे, अजीब हो गई। मैंने कहा फादर मुझे नहीं पता ये क्या है और ना ही मुझे आपके रिलीजन का ज़्यादा पता है कि ये आपने बाइबल से लिखे हुए हैं या कहीं और से लिखे हुए हैं, तो मुझे नहीं पता ये वर्सेस हैं या कुछ और चीज़ है। जब मैंने बाइबल का नाम लिया ना वो उसके अंदर आग लग गई, उसको गुस्सा आ गया, उसने मुझे पकड़ा, मुझे बाकायदा धक्का दिया, मैं जाके मट्टी पे गिरा पाया। मैंने कहा उस्ताद फादर आज हो गया, आज फादर ने ग्रैंड फादर का रोल ले लिया, आज इसने मेरी वाट लगा देनी है। मैंने उसको सॉरी सॉरी किया, लिटरली उसने मुझे धक्के मारे, मुझे लाते मारी, मैं भागा टोनी की तरफ। मैंने कहा इससे अच्छा टोनी है, टोनी है। तो कपड़े मेरे गंदे हो गए, टोनी को मैंने बताया, मैंने कहा फादर पागल हो गया और मैं पहले चर्च में गया छुपने के लिए फिर मैं बाहर आके बैठा तो ये बात की और जो है वो इसने जो है वो मुझे मारा है। तो टोनी ने बोला किसने मारा है, मैंने कहा फादर ने, फादर ने मारा है। हाँ टोनी का वो सामने देख कौन बैठा हुआ है, तो जहाँ पे हम कैंपिंग करते थे फादर वहाँ बैठा हुआ था। मैं गया सीधा अब फादर के पास जाते हुए मुझे डर लगे कि कुट खा चुका हूँ फादर की वह। मैंने टोनी को सारा वाक्या बताया, टोनी मुझे पकड़ के फादर के पास ले गया। तो मैंने फादर से बताया कि ये हुआ ये हुआ सॉरी फादर ये उसको मारते भी बहुत थे, तो कैन होती थी पतली ना, तो मैंने फादर को बोला, मैंने कहा ठीक ये है ये, तो बोला कि निशान किस किस्म का था कुछ याद है। मैंने फिर उसको बताया कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था यहाँ तक,
ब्लैक कलर के स्कार की तरह का था, इम्बोज हुआ हुआ था। मैंने सिर्फ उसको बोला कि ये बाइबल का कोई वर्स तो नहीं लिखा, उसे मुझे मारना शुरू कर दिया बाइबल के नाम पे ना। लगा सन दैट वाज अ डेविल, शैतान। मैंने कहा वो डेविल था तो चर्च के अंदर? बोला यार वो मेरे सामने मेरी शक्ल में हजार बार आया, मैं जब बाइबल रिसाइट करता हूँ वो मुझे आके धक्के देता है। मैं चर्च से बाहर निकलने की देर होती है ही यूज टू हार्म मी। मैंने कहा अच्छा अब क्या करूँ, मुझे तो ये दिखा। बोला कुछ नहीं है, परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सही है। अब मैं बैठ गया फादर के साथ, टोनी भी उधर ही बैठा हुआ है, बातचीत चल रही है। कैंप में देखूं तो टोनी कैंप के अंदर था, टोनी कैंप के अंदर, कैंप के अंदर था, मेरे बराबर में टोनी था ही। और जो फादर था जो बैठा हुआ था वो बिल्कुल आग की तरह लाल हो रहा था, और उसने मुझसे कहा आई एम डेविल। अभी क्या हो गया, फादर डेविल, डेविल फादर, फादर डेविल, असली फादर कौन सा था? असली फादर था ही नहीं वहां, टोनी, टोनी भी नहीं था, टोनी कैंप में बैठा हुआ। आपको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आएगा। तेरे को समझ में आया? ये चीजें ऐसी ही होती है भाई। ओके अच्छा, वो जो जो डेविल था तीनों बार तो चलो टकराया, वो डेविल ही टकराया, वो तीनों डेविल ही था, तीनों डेविल ही था। ओके और फादर का था पता ही नहीं था? फादर था ही नहीं वहां। ऑलराइट, शैतान का वाकई अजीबो गरीब सा था ये। वेल कैसे लगी आप लोगों को आज की स्टोरी? थोड़ी सी कन्फ्यूजन और शॉक, कन्फ्यूज, लेकिन अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। देखिए मैंने एक बात कही थी, शैतान हैवान ये हम खुद हैं, ये हमारे अंदर में चीज़ है। ये चीज़ें जो हम अंदर में वही हमें बाहर दिखती। उस वो टाइम होता जब मेरे साथ मेरे ऊपर वो औरत हुआ करती थी, शैतान 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 शैतान, चार बार शैतान, तीन बार फादर, एक बार टोनी, मतलब तू चार बार शैतान था। हाँ। भी परेशान होंगे कि भाई ये कितने बार शैतान में फंस गए, चार बार का शैतान है। चलिए जी, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, हम यहाँ से अब लेंगे, ज़्यादा बैटरी हमारी हुई जा रही है डाउन, अब इंशाल्लाह मिलेंगे कल आपसे एक नई स्टोरी के साथ। हमारी तरफ से सी आप पहला अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।